नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फीस स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फीस है वो किस अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है और आपको जो एनुअल फीस है वो किस अकॉर्डिंगली पे करना है ताकि आपको एडमिशन कराने में प्रोसेस इजी हो जाए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और ₹550 का DD आपको बनवाना है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के प्रिंसिपल के फेवर में। तो अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और DD बनवाने के बाद एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आर्मी पर्सन है यानी जो ऑफिसर्स हैं JCR OR है उनके लिए ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस है और सिविलियंस के लिए ₹4000 है। तो टोटल आपका जो आर्मी वाले उनका ₹2500 का खर्चा है और सिविलियंस का करीब करीब ₹4500 का खर्चा जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने में आता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्कूल के एडमिशन फीस की तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वन एडमिशन फीस लिया जाता है, यूनिफॉर्म फीस क्या क्या लिया जाता है, सिक्योरिटी क्या क्या लिया जाता है, इसके अलावा ये एनुअल चार्जेस। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो फिफ्थ से लेकर के 10th क्लास के बच्चे हैं और जो डिफेंस पर्सन के जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं उनकी फीस है 1,61,000 एक साल की। जो JCOs के बच्चे हैं उनकी फीस है 1,60,000 और जो OR यानी जो कि सोल्जर्स होते हैं, नायक हवलदार, ये जो उनकी जो फीस होती है 1,59,000। और अगर आप सिविलियन हैं और आपका बच्चा फिफ्थ क्लास से लेकर के 10th क्लास में पढ़ रहा है तो आपकी जो फीस है वो ₹3,31,500 का फीस चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई फिफ्थ से लेकर 10th क्लास के बच्चों की। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 11th और 12th के बच्चों की फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑफिसर्स हैं उनकी फीस है 1,62,000, जो JCOs हैं उनकी फीस है 1,61,000 और जो OR कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस है 1,60,000 और जो सिविलियंस हैं उनकी फीस फिफ्थ क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सेम है, ₹3,31,500 चार्ज किया जाता है। तो ये टोटल अमाउंट है जिसके अंदर आपका जो हॉस्टल चार्जेस है ₹90,000 ये भी इंक्लूडेड है, पॉकेट मनी ₹6,000 ये भी इंक्लूडेड है, आपकी जो ट्यूशन फीस होगी ₹31,000 वो भी इंक्लूडेड है, आपका जो एनुअल चार्जेस हो गया जैसे आपका एग्जाम फीस होगी, गेम्स फीस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर साइंस, कैंपस फ्री, स्कूल जर्नल, प्ले वे, इसके अलावा डेवलपमेंट फंड, ये सारा कुछ इंक्लूड करके मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपको टोटल अमाउंट जो है वो फिफ्थ से लेकर के 10th क्लास के बच्चों को 1,61,000 देना है और जो सिविलियन के बच्चे हैं ₹3,31,500 देना है। आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बताया जा रहा है कि फीस इज चार्ज फॉर फुल ईयर, मतलब आपका जो भी बच्चे का एडमिशन होगा तो ये जो फीस बताई गई है वो पूरे एक साल की फीस बताई गई है, चाहे आप पूरा साल पढ़ाएं चाहे बीच में आपका बच्चा निकल जाए, पूरे एक साल की फीस है। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया है, फीस जमा हो गई है, तो ना तो फीस आपकी एडजस्ट होगी ना ही आपकी फीस रिफंड होगी। जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं बहुत ही क्लियर करके सारे पॉइंट्स चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कई बार बच्चे सेट नहीं होते हैं, कई बार पेरेंट्स की सोच अलग होती है। हमारे स्कूल में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है क्योंकि बहुत कम टाइम होता है बच्चों के साथ मेहनत करना होता है, तो काफी टाइम तो पेरेंट्स को समझाने में और उनकी ट्रेनिंग करने में ही निकल जाता है। तो ये बोर्डिंग स्कूल के रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो फीस है ना तो उसको एडजस्ट किया जाएगा और ना ही आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि जो फीस है, थर्ड पॉइंट जो बताता है कि जो फीस है वो किसके फेवर में बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक दक्षाई और एनी अदर बैंक एट सोलन। तो आप जो फीस है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के नाम से उसके फेवर में जमा करवा सकते हैं और कौन सी ब्रांच में पे करना है, पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक दक्षाई और सोलन में कोई भी बैंक हो उसमें आप जमा करवा सकते हैं, उनके फेवर में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा कि किसी भी तरह का कैश जो है वो स्कूल में नहीं जमा किया जाएगा, जो भी फीस वगैरह है वो सारी DD के माध्यम से ही जमा किया जाएगा, तो आपको ये समझना है। और जितनी भी लेट फीस है 10% पर एनम के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी फाइन के साथ।
और इसके अलावा जिन बच्चों की फीस 31 मार्च से पहले पहले नहीं आती है, ऐसे बच्चों को एनुअल बोर्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। जो एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उनको देने नहीं दिया जाएगा। तो फीस के माध्यम में स्कूल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप लोगों को भी जागरूक रहना है और सिस्टम से चलना है, जो भी स्कूल, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है कि जो भी फीस है, ध्यान से समझिएगा, जो भी सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सन को ही प्रोवाइड की जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में। इसके अलावा जो फीस है वो हर साल टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है फीस, क्योंकि चेंज होती रहती है हर साल। आपको पता है सिस्टम अलग होता है, जैसे हमारा स्कूल है अंबाला में, तो हमारी भी फीस हर साल 10% के रेट से हर साल फीस बढ़ाई जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखिए बिजली का बिल बढ़ता है, किराया बढ़ता है, टीचर्स की सैलरी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो फीस भी हर साल 10% की रेट से बढ़ाई जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, बुक्स और स्टेशनरी आइटम जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के द्वारा जो भी आपसे स्टूडेंट की फीस ली गई है, उसके अंदर ही फीस के अकॉर्डिंगली ही आपको बुक्स और स्टेशनरी पे किया, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके जो भी एनुअल फीस है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। तो अगर आपका कोई लड़का या लड़की अभी फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, तो आप फिफ्थ क्लास से लेकर के इलेवेंथ क्लास तक एडमिशन करवा सकते हैं। 9 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स हमारे विद्यालय में सिर्फ 3 महीने के लिए अपने बच्चे की एडमिशन करवा करके तैयारी करवा सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है, बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और ये मैं आपको बता दूं कि एक सेमी गवर्नमेंट टाइप स्कूल है, जो कि आर्मी के द्वारा चलाया जाता है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि आर्मी के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, और उनकी फीस भी काफी कम चार्ज की जाती है, करीब करीब 1,59,000, जबकि सिविलियंस की जो फीस है वो 3,31,500 रुपए चार्ज किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, आप लोग अपने बच्चों को जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है स्कूल चूज कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आप अपने बच्चों को 1 साल तक हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए में अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। तो सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारे विद्यालय में बच्चों को 1 साल के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लीजिए। वैसे भी हर साल दिसंबर और जनवरी में छुट्टियां पड़ जाती हैं सर्दियों की, तो खासकर पहाड़ों में जम्मू के बच्चे, हिमाचल के बच्चे, देहरादून के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आ करके बहुत आराम से 2 से 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। इस वीडियो के नीचे मैंने बुक्स, क्रैश कोर्स, स्कॉलरशिप, ऑनलाइन कोचिंग, ये सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डाल दी है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।